बाद में हुआ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत क्लोजली कनेक्टेड है म्यूज़िक से. उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी म्यूज़िक में ही बिताई है. मेरे फादर मिस्टर विनोद शर्मा दिल्ली में म्यूज़िक कंपोजर हैं. वो इज़ मोस्टली इनटू डिवोशनल सॉन्ग्स. मेरी मॉम क्रेड ए ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट रह चुकी हैं, बहुत अच्छी सिंगर थी. एंड देन अभी वो इतना कंटिन्यू नहीं कर रहे उनकी एज की वजह से, दे हैव स्टॉप डूइंग दैट. बट कभी कभी अब वो मुझे ट्रेनिंग देते हैं. तो जो भी घर में म्यूज़िकल एक्टिविटीज़ होती थी उसी के साथ साथ मेरा म्यूज़िक शुरू हो चुका था बेसिकली. पर कभी भी मैं उस वक्त सीरियसली परस्यू नहीं कर पाया था, मुझे मौका नहीं मिला करने का. और बस फिर हायर एजुकेशन के लिए आई वेंट टू यूएस. ट्रेन जो भी ट्रेनिंग ली मेरे पेरेंट्स लिए, तो वो मेरे गुरुज़ हैं, उसी के साथ मैंने बस ये शुरुआत की है. तो यू कैन सी मोर ऑफ इट प्रीटी सून. सो मेरा पहला गाना बस अभी 2 महीने पहले रिलीज़ हुआ था, सुन सदा, और अभी आप ये देखेंगे, बस जल्दी ही रिलीज़ हो गए. आप यूएस में रहते हैं, अब इंडिया कैसे आना हुआ? इंडिया तो मेरा आना होता रहता है, हर साल मैं आता हूँ. मेरी फैमिली दिल्ली में ही रहती है, तो वो तो मेरा होता रहता है आना. बट सिंस हम कहते हैं कि अगर आपको म्यूज़िक परस्यू करना है, फॉलो करना है, आपको अपनी ड्रीम्स फॉलो करनी है, तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री मुंबई आके अगर आप कुछ करें, इंडियन ऑडियंस तक पहुँचना बहुत ज़रूरी था मुझे. यहाँ पर जो मेरे इंडियन भाई लोग जो इंडिया में रहते हैं उन तक पहुँचना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था. तो आप यूएस में रहते हैं पर कई बार वो रीच नहीं मिल पाती. सो दैट वाज द गोल कि यहाँ पे आऊँ, अपने लोगों में अपना म्यूजिक सुनाऊँ, बस मेरा वो गोल था. जगह ओले के अलावा हमने सुना है आपने और भी गाने रिकॉर्ड्स किए हैं, जो भी रिसेंटली अब लॉन्च करने वाले हैं. अच्छा, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल. तो अभी जागा ऑल नाइट, जैसे आपने एक टीज़र देखा, तो ये एक डिफरेंट जॉनर का गाना था. क्लब सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग है. आगे जो मेरे गाने आने वाले हैं वो 5 और 6 गाने हैं जो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसका प्लान है, और उसमें से 4 का वीडियो भी शूट हो चुका है. तो अगला जो आपका इसके बाद गाना आने वाला है वो एक रोमांटिक लव सॉन्ग होगा. बिल्कुल एक वैलेंटाइंस की थीम पर बेस्ड है वो काफ़ी, और आप वो भी आप जल्दी ही देखेंगे. उसके बाद एक जिसका नाम है कह दो तुम. उसके बाद हमारा एक गाना है, पंजाबी सॉन्ग है, वो बहुत फास्ट पेस्ड डांस नंबर है, बिल्कुल भांगड़ा देसी नंबर. एंड उसका गाना है, उसका नाम है कैफे द विच. वो भी वो उसके बाद आएगा. फिर हमारा एक सॉन्ग है तेरा चेहरा, जो अगेन एक लव सॉन्ग है, पर उसका थीम थोड़ा डिफरेंट है. अभी हर गाने का हमारा मन था कि हम लोग एक वैरायटी देंगे सॉन्ग्स की. उसके बाद 2 गाने और हैं. एक है पल पल, वो अगेन इट टेक्स यू बैक टू हिंदी एंड पंजाबी मिक्सचर, थोड़ा सा पेपी सॉन्ग है वो. फिर हमारा जो लास्ट गाना एक और आएगा, उसका नाम है ऐसा लगे है, और वो एक बायलिंगुअल सॉन्ग है, मल्टीलिंगुअल, जिसमें कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स है. उसमें मेरे साथ एक कनेडियन सिंगर हैं, वो गाएंगी. हालांकि वो 12 साल की लड़की है, जो बहुत अच्छा गाती हैं. शी फॉलोज अडेल, एंड देन यू कैन लिसन टू हर, यू कैन बी मेस्मराइज्ड विद हर विद दैट सॉन्ग. सो वो हमारा, ये हमारा प्लान है टू गिव द ऑडियंस एवरी काइंड ऑफ फ्लेवर विद द नेक्स्ट 5 or 6 सॉन्ग्स. सो 2019 इज प्रीटी पैक्ड विद ऑल दीज सॉन्ग्स, एंड यू कैन लिसन टू डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स. ओके, सो व्हेन वी से जागा ऑल नाइट, व्हेन वी से हार्डकोर, अनफॉर्चुनेटली हार्डकोर यहाँ पे नहीं आ पाए बिकॉज शी इज नॉट इन इंडिया राइट नाउ, बट वी हैव अ स्पेशल मैसेज फ्रॉम हर. एक छोटी सी एक वीडियो है जो हम चाहेंगे प्ले करें फ्रॉम हार्डकोर, प्लीज. ऐसी सपने तेरे तोड़े दो वादे, छोटे कॉल सी तेरे पल च हंसा के रुआया है तू, पीछे पीछे अपने क्यों लाया है तू, केड़ी मेरे दिल तो हुई सी खता, दिल दिया लगिया नू मिली है क्यों सजा, सुन सदा हर सपावा रो रो तेरिया में, आवे जा मनता मंगिया रब तो तेरिया में, सुन सदा हर सपावा रो रो तेरिया में, आवे जा मन ता मंगिया रब तो तेरिया में. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ये तो खैर आपकी. तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ,
किसी जुबां में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम साहसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। थैंक यू सो मच। और एक हो जाए, दिल नहीं भरा अभी तक, सिर्फ एक और। अच्छा, मैं एक थोड़ा फास्ट नंबर सुनाता हूँ, बिल्कुल, जो बहुत पॉपुलर हुआ था अभी। तू हो गई 1-2-2, ओए कुड़िये व्हाट टू डू, ओए हो गई मुंडे दी तुतुर तुरु तुरु पतंगा वर्गी, तू वैबे उड़ दी, ओए हो गई मुंडे दी तुतुर तुरु तुरु, हिलाते चल दी टुक टुक तू कर दी मेकअप तू कर दिया, अंग्रेजी पढ़ दी गिट पिट तू कर दी, जीवे कोई नी साड़ी विक्टोरिया, तू कैंटी बिग बैंग दी पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पहन दी पूरा लंदन ठुमकदा, तू कैंटी बिग बैंग दी पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पहन दी पूरा लंदन ठुमकदा। सुपर सुपर। कैसा फील हुआ जब आपने ये एल्बम निकाला, कितना चैलेंजिंग था ये एल्बम निकालना आपके लिए? सुनसना एक्चुअली इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि वो गाना एक मेलोडियस गाना है और वो ट्रेजेडी बेस्ड गाना था, तो हमने मेरे साथ जो फीचर किया जिस एक्ट्रेस ने उसका नाम मोनिका ऊजा है और वो वॉशिंगटन डी सी में रहने की वजह से, तो चैलेंजिंग द ओनली चैलेंज पार्ट वॉज टू कम अप विद द स्टोरी, टू कम अप विद व्हाट काइंड ऑफ ट्रेजिक स्टोरी वी कैन कम अप, क्योंकि कई बार क्या होता है आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कुछ लोगों को अफेक्ट भी कर सकती है, कुछ लोगों को अफेंड भी कर सकती है, और वो अगर कुछ अच्छी चीज हो सकती है कपल के साथ तो क्या उनको क्या चैलेंजेस होते हैं उनकी लाइफ में, क्या स्ट्रगल्स होते हैं, तो वो इस सॉन्ग में दिखाया गया है। इट्स अ ब्यूटीफुल मेलोडियस सॉन्ग और उसमें दिखाया गया कि लड़की अब लड़के के साथ नहीं है तो वो किस तरह से गम को दर्शा रहा है सॉन्ग के बेसिस पे। Rahul, many icons from the Indian music industry, from Pritam to Lalit Pandit to Bakladi have, you know, given you awards. So, क्या कहना चाहेंगे? वो कितना importance रखता है आपकी life में? वो बहुत importance रखता है क्योंकि अगर ऐसे legends आते हैं और मिलते हैं, वो एक छोटी-छोटी achievements होती हैं life में आपकी। क्योंकि अगर आप जो एक मुकाम बनाना चाह रहे हैं life में singing को लेकर, the kind of things I wanted to do. So in US, these are some of the platforms where these legends come and they judge the contests and aapko mauka milta hai ki agar aap wo log concerts karne aa rahe hain wahan par to agar aap kisi mein audition denge star winner banenge, you get to perform with all these legends, you get to learn a lot from these people. So wo mujhe mauka mila tha Pritam da ke saath jab wo log abhi recently US tour pe aaye the 2018 mein April mein aaye the, tab unhone star winner contest rakha tha aur mujhe mauka mila, main Washington DC se ho chuka tha, तो मुझे मौका मिला उनके साथ परफॉर्म करने का एंड इट वाज वंडरफुल, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स जब होंगी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो आप इसी तरह से अपने मुकाम तक पहुंचते जाएंगे। And you know your collaboration with Hardcore is a big name in the Indian music industry. So how beneficial will it be in the future as such? I mean, it's beneficial in the sense ki aap collaborations jab karte hain, so basically there's a big pool of talent around you. And in this industry mein kitna competition hai, kitna talent hai. When you get to collaborate with people of that stature, to aapko mauka milta hai unke fans ko reach karne ka. तो वो ज़रूर हेल्प करेगा मुझे, क्योंकि वो एक होता है एक नया आर्टिस्ट है, नया फेस है, कोलैबोरेशन वाइज आप उनके फैंस तक भी पहुंच सकते हैं, बस उस मीडियम से आप और लोग बहुत सारे लोगों को पहुंच सकते हैं। तो मेरा ये बस था कि शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, शी इज़ अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री, तो मेरा था कि किसी के साथ मैं कोलैबोरेट करूँगा, इट वुड बी वेरी नाइस थिंग टू डू। तो शी इज़ अ वाइड एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, सो हाउ डिड शी गाइड और मेंटर यू ड्यूरिंग द शूट ऑफ द शी सेड बेसिकली कि आप एक नए आर्टिस्ट हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना फ्लो ना रोकें और आप कोशिश करें कि नए नए गाने निकालते रहें, जितने आप अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स निकालेंगे लोगों तक पहुंचाएंगे, आपका जितना अच्छा म्यूजिक होगा, जितना सच्चा म्यूजिक होगा, द मोर यू रीच पीपल द मोर यू अचीव। तो आर यू लुकिंग फॉर मेकिंग अ करियर एज अ प्लेबैक सिंगर इन आई एम एक्चुअली दैट विल बी माय बिगेस्ट गोल। ओके, एंड हु आर द पीपल यू वुड वांट टू वर्क विद, बिग नेम्स फ्रॉम ए आर रहमान
to, you know, there, all the there, are, there are so many people, there are so many music composers I would love to work with. Like Pritam Da, like Vishal Shekhar, and then there are many others, some new generation, like Jamates, which is bahut abhi chal raha hai aajkal, and then Sachin Jigar hai, Ajay Abdul hai. There are so many, there's so much talent, as I say. And what's the plan for future? Are you going to take more singles out, or you know, you are basically concentrating on playback singing in Bollywood? I mean, it's going to be a mix and match of both. So main chahta hu apne original songs ke nikalta rahu, kuch naye gaane nikalte rahe mere zarur. Definitely mere aur lined up hain, pipeline mein 5-6 gaane hain 2019 ke liye jo main nikalne wala hu. And then uske basis pe agar mujhe playback gaane ko milta hai, main Bollywood mein ya Indian film industry mein apni jagah banata hu, to wo definitely ek sabse badi achievement hogi mere liye. So main definitely chahta hu ki un dono ko saath saath carry karta rahu. So are you making the base in Mumbai itself, or you are going to tour from US to Mumbai? Eventually I will. Okay. I may shift base based on how much I and what I achieve. Thanks, Rob. Thank you. Thank you, guys.